यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी द्वारा गांव के युवाओं के माध्यम से उनमें निर्णय क्षमता एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करके यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोर्स 8 दिन का करवाया जाता है। ये युवा गांव में प्रभात फेरी निकालते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं, तालाब की सफाई करते हैं, सत्संग करवाते हैं, गांव गांव की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए, लोक संस्कृति के लिए कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम पूरे भारत में चल रहा है। दुर्ग जिले में ही लगभग 40 गांव में हम पहुंच गए हैं। वहीं से पढ़े लिखे युवाओं को लेकर उनका कोर्स करवाया जाता है। जो शिक्षक लगातार यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, उन्हें मानदेय राशि भी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा प्रदान की जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा ऐसे ग्रामीण युवा जो गांव में रहते हैं और उनको दिशा नहीं मिलती क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और उन शक्तिशाली भी रहते हैं, जानकार भी रहते हैं, तो ऐसे ग्रामीण युवाओं को बुला करके आर्ट ऑफ लिविंग संस्था यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाती है। अब पिछले ये 18 वर्षों से चल रहा है। अभी अभी रिसेंटली जो है हमारा आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर। उसके माध्यम से जो गांव से युवा आए हैं उनको हम लोग क्या 8 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उनको ज्ञान ध्यान योग प्राणायाम के साथ साथ उनको लीडर बनाते हैं। कौन सा लीडर? वो गांव का लीडर, जो जो बच्चा गांव में जाएगा। गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, अक्सर अक्सर गाँव में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कोई बाहर से आके हमारे लिए काम करेगा, नहीं, उनको शिक्षा देते हैं आप ही अपने गाँव की समस्या सुलझा सकते हो, अपने गाँव के काम कर सकते हो। ऐसे युवाओं को बुला करके हम लोग YLTP के माध्यम से करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि लगभग 40% गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। इस माध्यम से बच्चों को माध्यम से करवाते हैं। देखिए भाई, जब तक रोटी रोजी रोटी नहीं मिलेगी तब तक कोई काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के अंदर पहले लीडर बनाते हैं। लीडर मतलब क्या, देखिए भाई, बच्चा अगर मान लीजिए शहर में रोजगार करने आएगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमाली करेगा, नहीं तो मिशन में तो नहीं तो क्या है हवाई मिशन का काम करेगा, कुछ और काम करेगा। लेकिन अगर वो स्किलफुल है, एक दिन के लिए हम लोग उसको ही करते कि इसके अंदर क्या हुनर है। मान लीजिए टेक्निकल जानकार अच्छा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन काम अच्छा करता, मान लीजिए प्लम्बर का काम अच्छा करता, तो हम लोग उसको अलग से ट्रेनिंग करते। और एक बताऊँ, साथ में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ तक कि और लोगों की भी जो योजनाएँ चल रही हैं, वे लोग भी चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट हो, तो इन बच्चों को बुला करके लीडरशिप दे करके हम उनको स्किल डेवलपमेंट कराते हैं और फिर उनका ग्रुप बना लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को प्लम्बर की ज़रूरत है, वो लड़का जाकर काम करेगा। अब चूंकि वो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा रहता है तो एक आध्यात्मिक फील्ड होने के नाते वो घर में जाकर अच्छा बिहेव भी करता है और कोई न्यूसेंस नहीं करता है, इसलिए उनको हम देते हैं। अब बहुत सारे लोग रोजगार अच्छा, और यहाँ तक कि जो नर्सिंग होता है, यहाँ तक कि होटलों में भी, होटल में भी देखिए, वो होटल में आप जाएंगे ना तो चद्दर उद्दर बिछाने के लिए अच्छा, उसके लिए लड़कियों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो लोग वो जाती हैं होटल में, वो संपर्क करते हैं और जा करके वहाँ पर उनका होटल मैनेजमेंट के तहत कैसे उनको बिस्तर लगाया जाए, किस तो उनको व्यवस्थित किया जाए, कैसे सब सजाया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं।